नमस्कार, झलको से काओटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। महावृक्षारोपण अभियान के तहत दो जाटी बालाजी धाम में नितिन शर्मा के जन्मदिवस पर हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। जन्मदिवस पर केक काटने से बेहतर है एक पेड़ अवश्य लगाए। लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर से काओटी। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान व द मिशन ऑफ हैप्पीनेस द्वारा आयोजित 10,11,000 पौधे लगाने व वितरित करने के महावृक्षारोपण अभियान के तहत बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान के संयोजक कवि हरीश शर्मा के छोटे भाई नितिन शर्मा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर दो जाटी बालाजी धाम मंदिर परिसर में मंदिर महंत श्री राम पुजारी व अभियान के संयोजक कवि हरीश शर्मा सह संयोजक आकाश झूरिया के सानिध्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभियान के संयोजक कवि शर्मा ने कहा कि छोटे भाई नितिन शर्मा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर वृक्षारोपण कार्यक्रम दो जाटी बालाजी धाम में किया गया। शर्मा ने समस्त देशवासियों से अपील की कि जन्मदिवस पर केक काटने से बेहतर है एक पेड़ अवश्य लगाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंदिर महंत श्री राम पुजारी अभियान के संयोजक कवि हरीश शर्मा सह संयोजक आकाश झूरिया आजाद सिंह राजपूत तनिष वर्मा रिया वर्मा आराध्य गौरव वर्मा पूनम बबीता हरगुन सहित अनेक श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान के ओर से डॉक्टर आर के उपाध्याय की स्मृति में वितरित किए गए 1,000 पौधे। जगह जगह हुआ वृक्षारोपण का कार्यक्रम। लक्ष्मणगढ़ में शीशम मेहंदी बड़ चैन नागकरंज बील पपीता गुलहम गिलोय सहित अन्य 1,000 पौधे का वितरण कर जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आर के उपाध्याय की धर्मपत्नी कवित्री डॉक्टर निरुपमा उपाध्याय उनके सुपुत्र प्रियदर्शी उपाध्याय अभियान के संयोजक कवि हरीश शर्मा सह संयोजक आकाश झूरिया अनेक टीम सदस्य मौजूद रहे। धन्यवाद।